नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बेहद सनसनीखेज हकीकत साझा करने जा रहे हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादियों और पंजाब के गैंगस्टरों के बीच आंतरिक टकराव से पैदा हुए हालातों का नतीजा है। ये कहानी हमें बताती है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इन आतंकवादियों और गैंगस्टरों के बीच आपसी झगड़ों ने कितना खून खराबा मचाया है। इन हादसों की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई थी, जब 1985 में एयर इंडिया विमान में बम धमाके के आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक को कनाडा के सरी नाम के शहर में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी नेताओं के बीच मतभेद और टकराव से उपजे विवाद के कारण पिछले एक साल में दुनिया भर में कई खालिस्तानी नेताओं की हत्या हो चुकी है। इस दौरान 6 कट्टर खालिस्तानी नेता संदिग्ध हालातों में मारे गए। ये सब तब शुरू हुआ जब जुलाई 2022 में 1985 के एयर इंडिया फ्लाइट बम धमाके के आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई। मलिक को कनाडा की एक अदालत ने 2005 के बम धमाके मामले में बरी कर दिया था। इस घटना की जांच जब हुई तो कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने पाया कि मलिक सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भारत के बाहर हुई प्रिंटिंग से जुड़े एक मामले में विवाद में घिर गया था। धार्मिक मान्यता के मुताबिक ग्रंथ साहिब की छपाई भारत के बाहर नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर खालिस्तानी नेताओं के बीच गंभीर मतभेद भी पैदा हो गए थे। इसी तरह नवंबर 2022 में हरविंदर सिंह संधू, जिसे रिंडा नाम से भी जाना जाता था, उसकी लाहौर की मिलिट्री अस्पताल में ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी। इस मौत को संदिग्ध माना जा रहा था। रिंडा एक कुख्यात गैंगस्टर और घोषित आतंकी था। कनाडा में वो आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और नारकोटिक तस्करों को नशीले ड्रग्स बेचे जाने की अहम कड़ी था। रिंडा के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। हाल ही में खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF के मुखिया परमजीत सिंह पंजवर की लाहौर के जोहर टाउन में गोलीबारी के दौरान मौत हो गई थी। पंजवर 1995 में पाकिस्तान भाग गया था। उसने अपने चचेरे भाई और खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF के पूर्व प्रमुख लाभ सिंह की मौत के बाद इस संगठन की कमान संभाली थी। 15 जून को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक सदस्य अवतार सिंह खांडा की यूके के एक अस्पताल में अचानक मौत हो गई। कुछ समाचार रिपोर्ट्स में खांडा को खून के कैंसर की बीमारी से पीड़ित बताया गया था, लेकिन उसके समर्थकों का कहना है कि उसे खाने में जहर देकर मार दिया गया था। खांडा को 2012 में भारत से भागने पर यूके में राजनीतिक आश्रय दिया गया था। उसे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का करीब माना जाता था। अमृतपाल फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है। खांडा ने अमृतपाल के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के समक्ष प्रदर्शन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 जून 2023 को प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख और भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के कैनेडियाई ब्रांड पश्चिमी सरे वेस्ट सरे के एक गुरुद्वारे के बाहर दो अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर पर भारत ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। कैनेडियन प्रधानमंत्री ने इस मामले को उठाने के बाद गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थक सुखदूल सिंह गिल, जिसे सुखा दुनेके के नाम से भी जाना जाता था, वो 20 सितंबर को कनाडा के विनिपेग शहर में मृत पाया गया। गिल पंजाब के मोगा जिले का निवासी था। वो 2017 में जाली दस्तावेज की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में गिल 33वें नंबर पर था। NIA का मानना है कि गिल कनाडा स्थित गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला का करीबी था। डल्ला
गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का प्रतिद्वंदी था। इस बीच कनाडा सरकार को भारत के वांछित आतंकवादी निज्जर की हत्या के बारे में अपने दावों को पुख्ता करने के लिए अभी तक कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली है। भारतीय सुरक्षा बलों का कहना है कि विदेशों में रह रहे खालिस्तानी नेताओं के बीच आंतरिक विवाद और मतभेद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खालिस्तानी नेताओं और पंजाब के गैंगस्टरों के बीच आपसी कलह और विवाद की वजह से खालिस्तानी नेताओं की हत्या और संदिग्ध मौतों का रहस्य अब तक सुलझाना मुश्किल हो रहा है। आतंकियों और गैंगस्टर्स के बीच पिछले 5 सालों से चल रहे संघर्ष की विस्तृत जानकारी हम जुटाते रहेंगे। इन हत्याओं और विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ चल रही साजिशों का हम खुलासा करके इसके पीछे छिपे सच की खोज करना ही हमारा मकसद है। रियल स्टोरी के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब व फॉलो करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।